गन्ना किसानों को पेमेंट मिलता है क्या? किसानों का धान खरीदा जाता है क्या? व्यापारियों की सुरक्षा है क्या? हर गांव में अस्पताल बना है क्या? सस्ती दवाई की दुकान खुली है क्या? अरे भाई, आप सभी नहीं 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 कर रहे हो, और अखिलेश बाबू कहते हैं काम बोलता है। कुछ किया है भाई? कुछ किया है? अरे माता है, आप अन्याय कर रही, अखिलेश के साथ कुछ तो किया है इसने। मैं बताऊं क्या किया है? बताऊं आपको अखिलेश जी ने क्या किया है? जानना है? उत्तर प्रदेश को खून करने के मामले में, हत्या के मामले में नंबर वन बना दिया। अरे 23 माताओं बहनों के साथ बलात्कार अत्याचार होते हैं, बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर वन बना दिया। चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, फिरौती, हर मामले में उत्तर प्रदेश को देश में नंबर वन बना दिया। मित्रों, पहले तो दो ही थे, सपा और बसपा, दोनों से आप परेशान थे, अब तीसरे आ गए, मालूम है ना? हर रोज देखते हो ना, दो से ज्यादा टीवी पर देखते हो या नहीं देखते हो? मैं बताऊं ये दो से ज्यादा कैसे हैं? बताऊं आपको? देखो भाई, एक से अपनी माँ परेशान है और दूसरे से अपना बाप परेशान है, और उत्तर प्रदेश दोनों से परेशान है। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश का भला इस सपा बसपा कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश का भला कर सकती है। मित्रों, आप मुझे बताइए, मोदी जी कहां से चुनकर गए हैं? यूपी से। जरा जोर से बोलिए, बनारस से ना? काशी कहां आया भाई? यूपी में आया ना? अपने पूर्वांचल में है ना? मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता की कृपा के कारण मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। अगर उत्तर प्रदेश की महान जनता 80 में से 73 सीट नरेंद्र मोदी की झोली में, कमल फूल की झोली में न डालती, तो मोदी जी कभी प्रधानमंत्री न बन पाते। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र भाई ने हर साल 1,00,000 करोड़ रुपया यूपी के लिए ज्यादा भेजा। कितना भेजा है भैया बताओ? जोर से बोलो। अब 2.5 साल हो गए, 1 साल के 1,00,000 करोड़, तो 2.5 साल का कितना होता है? आपके गांव में कुछ आया है क्या? आया है? ईश्वर बताओ भाई, ईश्वर बताओ, आया है? कहां गया? कहां गया? ये चाचा भतीजा पूरा का पूरा उठा ले गए भैया। आपको अगर ये मोदी जी ने जो 2.5 लाख करोड़ भेजा है वो ढूंढना है, तो आपके गांव के किसी समाजवादी पार्टी के नेता का घर देखे आइएगा। 5 साल पहले नेताजी टीन के पतरे के घर में रहते होंगे, इनके घर के सामने एक ल्यूना पड़ा होगा, ल्यूना मोपेड आता है ना, मोपेड। वो 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार चल गई, अब जाकर देखेगा 4 मंजिला हवेली बन गई और घर के सामने न्यू ब्रांड फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हो गई है। ये यूपी के किसान का पैसा, यूपी के युवा का, महिला का, यूपी के गरीब पिछड़े दलित का पैसा इस समाजवादी पार्टी के गुंडे ले गए हैं। मित्रों, ये विकास नहीं कर सकते, ये विकास नहीं कर सकते। मित्रों, अभी अभी राहुल बाबा बड़े तैश में आ जाते हैं और तैश में आकर बोलते हैं, मोदी जी बताओ 2.5 साल हो गए, आपने क्या किया? अरे राहुल बाबा हमारा हिसाब मांगते हैं। अरे राहुल बाबा,
आप क्या हमारा हिसाब मांगते हो? आपके पर नाना जवाहरलाल जी ने शासन किया, आपकी नानी इंदिरा जी ने किया, आपके पिता राजीव गांधी ने किया, आपकी माता सोनिया गांधी ने मनमोहन जी के साथ मिलकर शासन किया 60 साल। इस देश पर आपके परिवार का शासन रहा, ये मेरे सिसवा की गरीब जनता पूछती है। सिसवा की गरीब जनता पूछती है कि 60 साल तक राहुल बाबा आपके परिवार ने क्या किया, उसका हिसाब दो। मित्रों, देना चाहिए नहीं देना चाहिए उनको? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? 60 साल में गरीब के घर में शुद्ध पीने का पानी नहीं पहुंचाया, शौचालय नहीं पहुंचा, बैंक अकाउंट नहीं पहुंचा, गैस का चूल्हा भी नहीं पहुंचाया। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 साल के अंदर देश की 2 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। अकेले महाराजगंज जनपद के अंदर मेरे पास आंकड़ा है, अकेले महाराजगंज जनपद के अंदर 89,700 माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम हमने समाप्त किया। और राहुल बाबा हमसे हिसाब मांगते हैं? मित्रों, खैर जाने दो, मांगते हैं तो दे देना चाहिए। देना चाहिए ना भाई? देना चाहिए ना? राहुल बाबा अगर सुन सकते हो तो सुन लो कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 साल के अंदर हर 15 दिन में एक योजना लेकर आई। ये योजनाएं कोई धन कुबेरों के लिए, धन्ना सेठों के लिए नहीं, ये योजनाएं गरीब के लिए है, किसान के लिए, युवा के लिए, दलित के लिए है, मेरे पिछड़े समाज के लोगों के लिए योजनाएं लेकर आए। मित्रों, 93 से ज्यादा योजना मैं सूची लेकर घूमता हूँ, क्योंकि राहुल बाबा हर रोज सूची लेकर आया हूँ। मैं जोर से पढ़ देता हूँ, इतना टाइम नहीं है 93 की 93 सुनाने का। मेरी तैयारी है, आपको लगे अमित भाई बहुत हो गया तो ताली बजाकर रोक लीजिएगा, ठीक है? पढ़ू मैं जोर से? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, स्मूथ सी रिकवरिंग कोड, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल। अरे भाई, मैं तो अभी 16 तक ही पहुंचा हूँ। 93 योजना है नरेंद्र मोदी सरकार, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गरीबों के लिए लेकर आई है, मगर आप तक कुछ नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? बीच में एक निकम्मी सरकार बैठी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बिजली का बड़ा कारखाना हो जो बिजली को उत्पादन करता हो, बड़े बड़े हाई टेंशन लाइनों से बिजली जाती हो, सीधी आपके गांव में आ जाएगी, घर में आएगी। भाई आएगी सीधी? ट्रांसफॉर्मर चाहिए ना, गांव में लगता है ना ट्रांसफॉर्मर। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार अलग अलग योजनाएं बनाकर यहाँ भेज रहे, मगर यूपी सरकार का, लखनऊ में जो यूपी सरकार है उसका ट्रांसफॉर्मर है वो जल गया है, वो आगे ही नहीं बढ़ने देता। आप बताओ, ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो उसको क्या करते हैं? अरे ऐसे नहीं भाई, बताओ क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? उखाड़ कर फेंक दीजिए इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको कहने आया हूँ मित्रों, 5 साल के अंदर हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे, नंबर 1 राज्य। मित्रों, ये अभी अभी अखिलेश जी हमें पूछते हैं, मैंने देखा बहराइच की सभा में पूछा, मोदी जी यूपी के अच्छे दिन कब आएंगे? हमें पूछते हैं, भैया यूपी का मुख्यमंत्री कौन है बताओ? कौन है? अच्छे दिन किसको लाने थे?
किसको लाने थे? अब वो तो कहते आए ही नहीं, हमें कुत्ते कब आएंगे? उनको लाने थे ना, मगर अखिलेश बाबू पूछते तो मैं जवाब दे ही देता। मित्रों कान खोल कर सुन लीजिए, 11 तारीख को मतगणना है, सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी, 9 बजे 5 राउंड समाप्त, 10 बजे 10 राउंड समाप्त, 12 बजे मतगणना समाप्त, 1 बजे समाजवादी पार्टी की सरकार समाप्त, 1 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अखिलेश कान खोल कर सुन लो, 11 मार्च को 1 बजे कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और 1 बजे 11 तारीख को यूपी के अच्छे दिन आने वाले हैं। विकास ये नहीं कर सकते। अभी अभी अखिलेश जी कहते हैं कि मैं सुधर गया। भैया कोई कहता है मैं सुधर गया हूं तो आगे कैसा होगा बताओ जरा, कैसा होगा? मगर सुधर उधर कुछ नहीं गए भैया, ये लोगों की आंख में धूल झोंक। आप मुझे बताओ आजम खान आज भी किस पार्टी में है? जोर से बोलो किस पार्टी में है? अतीक अहमद किस पार्टी में है? चाचा शिवपाल किस पार्टी में है? गायत्री प्रजापति किस पार्टी में है? क्या सुधर गए हो भाई? सबके सब तो वही के वही है, लोगों की आंख में धूल मत झोंको अखिलेश जी, आप यूपी का विकास नहीं कर सकते। मित्रों एक बाजू आजम खान अतीक अहमद, तो बसपा में मुख्तार अंसारी है, अफजल अंसारी है, आप कहां जाओगे यूपी वालों? एक बाजू कुआ है, एक बाजू खाई, कहां जाओगे? मैं बताऊं रास्ता? हमारे पास चले आओ, हमारे यहां ऐसा कोई नहीं है। मित्रों ये भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है और कोई नहीं। मैं सिसवा की जनता के सामने दूसरे को गाली देकर वोट मांगने नहीं आया भैया, हमने उत्तर प्रदेश के विकास का एक खाका बनाया, एक प्लानिंग बनाया, हमारे घोषणा पत्र के अंदर हम बहुत सारी चीजों को बनाकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता के सामने आए। मैं बताता हूं उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों का पूर्णतया ऋण लोन माफ कर दिया जाएगा। हमने तय किया है एक पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के गरीब किसान की मदद के लिए आगे पर जितनी भी लोन दी जाएगी, ऋण दिया जाएगा, उसको ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा। मित्रों हमने तय किया है कि गन्ना किसानों को आगे पर चीनी मिल में गन्ना डालते ही 14 दिन के अंतर का चेक उसी दिन बैलगाड़ी के साथ ही पकड़ा दिया जाएगा। ये सारे युवा यहाँ चिल्ला चिल्ली करते हैं, भैया आपको लैपटॉप मिला है क्या? ईश्वर मिला है किसी को? तो ये तो कहते हैं बहुत बातें हैं, कहां गए? आपको क्यों नहीं मिला? आपको इसलिए नहीं मिला कि वो आपका धर्म पूछेंगे, धर्म आपका धर्म उनको अनुकूल नहीं आया तो लैपटॉप नहीं देंगे, वो आपकी जाति पूछेंगे, जाति अगर अनुकूल नहीं आई तो लैपटॉप नहीं देंगे। हमने तय किया है उत्तर प्रदेश के युवा को दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर हर एक युवा को लैपटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाए। भैया आप बताओ यूपी सर्विस कमीशन से बहाली के लिए अगर आप पर इंटरव्यू का कॉल आता है तो आपको नौकरी मिलेगी क्या? मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मांगते हैं ना, जरा बोलो मांगते हैं ना? मित्रों इसलिए मांग सकते हैं कि इंटरव्यू रख सकते हैं। हमने तय किया है वर्ग 3 और 4 की बहाली के लिए जिसका मार्क ज्यादा होगा
उसको नौकरी घर पर बैठ के दी जाएगी, इंटरव्यू समाप्त कर दिए जाएंगे, इंटरव्यू ही समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचार कहां से करेंगे, न बचेगा बास, न बचेगी। मित्रों अभी अभी राहुल बाबा बड़े जोर जोर से कहते थे कि मोदी जी अभी भी कश्मीर पर गोलीबारी होती है, पहले भी होती थी, अभी भी होती है, क्या फर्क पड़ गया। मित्रों राहुल बाबा को मालूम नहीं है क्या फर्क पड़ा है, और पड़ेगा भी नहीं। राहुल बाबा आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, इटालियन, आपको फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। पहले जब गोलीबारी होती थी तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की सेना करती थी, और जब हमारी सरकार है, कमर फूल की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, सिसवा वालों की जो सरकार बनी है, उस वक्त गोलीबारी की शुरुआत तो आज भी पाकिस्तान की सेना करती है, मगर उसका अंत हिंदुस्तान की फौज करती है। वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, ईद का जवाब पत्थर से दिया जाता है। मित्रों राहुल बाबा को मालूम नहीं है कि सरकार बदल चुकी है, देश बदल चुका है, सेना के जवान का मिजाज बदल चुका है, अब हमारे देश के सेना के जवानों को कोई अपमानित नहीं कर सकता। मित्रों अभी अभी मैं भाजपा मुख्यालय पर बैठा था तो अमरोहा से एक ताऊ आए और आकर कहा कि अमित भाई मेरे साथ बड़ा अन्याय हो गया। मैंने बोला ताऊ क्या हुआ तेरे साथ बता, तो ताऊ ने कहा कि मैं बैलगाड़ी में गन्ना भरकर जाता था, रास्ते में एक रेकड़ी देखी, अमरूद की थी, पोता याद आ गया, अमरूद लेने के लिए रुका, और जब अमरूद लेकर वापिस आया तो मेरा बैल ही गायब हो गया। अरे मैंने कहा था इसमें क्या बड़ी बात है, थाने जा रपट लिखा, आजम खान की भैंस मिल गई, तेरा बैल भी मिल जाएगा। तो उसने कहा अमित भाई मेरा बैल नहीं मिलेगा। मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा ताऊ, तो उन्होंने कहा कि अमित भाई मेरे बैल को कत्ल खाने वालों ने काट दिया है। मित्रों हमने तय किया है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन रात को 12 बजे के पहले एक अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश से सारे कत्ल खाने बंद कर दिए जाएंगे। कांग्रेस सपा बसपा के राज में गाय भैंस बैल के खून की नदियां बही है उत्तर प्रदेश में, हम भी नदियां बहाना चाहते हैं, मगर गाय और बैल के खून की नहीं, दूध और घी की नदियां बहाना चाहते हैं। जो दूध और घी, ये तो हमने तय किया है ये कत्ल खाने बंद कर दिए जाएंगे। हमने तय किया है कि कॉलेज तक की शिक्षा सारी बच्चियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में कर दी जाएगी, लड़कों के लिए 12वीं कक्षा तक की शिक्षा मुफ्त कर दी जाएगी। 40 डेयरी बनाने वाले हैं, 80 पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने वाले हैं, और 40 मेडिकल कॉलेज बनाकर 70 लाख युवाओं को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर गांव के अंदर ये समाजवादी पार्टी के गुंडे जमीन हथियाते हैं या नहीं हथियाते हैं बताओ भैया, हथियाते हैं ना, हथियाते हैं ना, ये राम वृक्ष जैसे हर जगह पे राम वृक्ष है ना। मित्रों हमने तय किया एक बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ले ले, इस जमीन लटकाने वाले भू माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों बहुत सारी बातें तो करने को है मगर आगे भी जाना है। आप मुझे बताइए ये प्रेम सागर को आप जिताएंगे क्या, कैसे नहीं भाई, जरा जोर से बोले जिताएंगे, कमर फूल की सरकार बनाएंगे, भाजपा को वोट देंगे, भाई नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे,
दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे, यूपी के विकास का रास्ता खोलेंगे। देखो भाई, इतने ये 5-7 हजार लोगों से सरकारें नहीं बनती है, बनती है क्या? क्या करोगे अब? आप हाथ खड़ा करो, कितनों के पास मोबाइल है? मोबाइल कितने लोगों को पास है? आ गए ना सबके पास।